गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पर बदलाव हमसे है मैं पुनः स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। कल पढ़ा अपन ने कि भारत का जो अध्ययन करने के लिए इसे चार भौतिक भागों में विभक्त किया गया है और सबसे पहला भौतिक भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश दो भागों में बांटा है, लेकिन कोई तीन बोल रहा है तो कोई गलत भी नहीं है। तीन कौन सा, तीसरा कौन सा होगा? पूर्वांचल की पहाड़ी, नागा, पटकोईबुंग, जयंतिया, गारो, खांसी, जो मेघालय नागालैंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी। बहुत सही बोला आपने कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। एक है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ये कल पढ़ लिया हमने, ट्रांस हिमालय। और दूसरा मुख्य हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ी। बिल्कुल सही बोला। अनिल कुमार बताओ जरा यहाँ पे कौन कौन से हैं? जास्कर, आप पहले काराकोरम, हाँ फिर जास्कर, नहीं काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और फिर कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों भारत व तिब्बत में, और ये केवल तिब्बत क्षेत्र में। ये देखो कैलाश रेंज दिख रही है आपको, तो ये भारत के बाहर, कैलाश रेंज जो है वो भारत के बाहर है। और भारत में कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश जो है भारत के बाहर है। अपन ने देखा कि ग्रेटर हिमालय और जास्कर के बीच का विभाजन पॉइंट कौन सा है? सचर जो, कौन सा पढ़ा था? सचर जो। इसमें जो काराकोरम और लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख की जो पहाड़ियां है, जो रेंज है, इसके बीच में ग्लेशियर पड़े और कुछ घाटियां पड़ी थी। एक आध घाटी का नाम बता सकते हैं कोई? नुब्रा घाटी। एक नदी भी है, नुब्रा नदी और नुब्रा घाटी। तो यदि हम यहाँ पर देखें काराकोरम को, तो काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला, अब यदि जैसे हमने तैथी सागर के बारे में पढ़ा था, तो नीचे गोंडवानालैंड और ऊपर अंगारालैंड, ठीक। और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ी है अपन ने, कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आप बता सकते हो काराकोरम श्रेणी किस प्लेट का हिस्सा हो सकता है? भारतीय प्लेट का, जो हिमालय, यूरेशियन प्लेट का। याद रखो जो काराकोरम श्रेणी है या ट्रांस हिमालय है पूरा का पूरा, किस श्रेणी का हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और हिमालय किस प्लेट का हिस्सा है? भारतीय प्लेट नहीं, वो तो तैथी सागर का हिस्सा है। तैथी सागर में जो गाद जमा हुए थे वो ऊपर उठा हुआ है। भारतीय प्लेट कौन सा है? दक्कन का पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या है? भारतीय प्लेट। और हिमालय पर्वत मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप है, सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये सब क्या है? उनके बीच के गैप है जो ऊपर उठे हुए। क्लियर हो गया एकदम? अब यहाँ पर अपन ने कुछ ये पढ़े थे ग्लेशियर पढ़े, कौन कौन से? एक तो हिस्पर पढ़ा होगा अपन ने, हिस्पर, एक सियाचिन, बाल्टोरा,
और बियाफो, बियाफो ये पढ़ा होगा, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो और सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी पर, किस घाटी पर है, सरल सा क्वेश्चन बनता है। दो तीन बातें एक ही जगह पर है और लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में है सब कुछ, लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में। तो ये जो है नुब्रा घाटी में, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में है, नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है। नुब्रा घाटी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी कहलाता है ये सियाचिन। अब देखिए ये दो कोने दिख रहे हैं हमारे सामने, दो कोने दिख रहे हैं, ये उठा हुआ कोना दिख रहा है, ये उठा हुआ कोना दिख रहा है। तो ये जो भाग है यहां से यहां तक, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है। उधर वाला पार्ट अक्साई चीन, उधर वाला पार्ट कौन सा बताया मैंने, अक्साई चीन। अक्साई चीन कब बना था, इवनिंग अक्साई चीन जुबेर, अक्साई चीन पूछा कल बताया था मैंने 1962। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे स्टूडेंट। नाम बताओ आपका, उमेश का। उमेश का बोल रहे, बिल्कुल से पैदल आए हैं यहाँ पर नहीं यार, यकीन नहीं होता पर जब मैं पढ़ता था ना ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर में, तो मेरा गांव जो है मुलताई से 27-28-29-30 किलोमीटर दूर था, 30-32 किलोमीटर में पैदल आता था। आपको यकीन नहीं हो रहा कि पैदल आया होगा, जमाना बदल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सियाचिन और उसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन 1962 भारत चीन युद्ध के समय में, ये चीन ऑक्यूपाइड भारतीय क्षेत्र है और इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक रेखा भी बनी हुई है, कौन सी रेखा है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके बीच में, भारत और चीन। और इधर जो 1947-48 कौन सा कबायलियों का आक्रमण, और तब कौन सी रेखा बनी यहाँ पर, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो क्या बोलते हैं उसे, आजाद कश्मीर। हम क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। और उसकी राजधानी भी पढ़ ली हमने, क्या पढ़ा, मुजफ्फराबाद। और इसके बीच में यहाँ पर सियाचिन, यहाँ पर क्या है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर। और ये जो लद्दाख क्षेत्र है, ये लद्दाख वाला, इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल। कल पढ़ा था अपन, अनिल कुमार पढ़ा था ना, क्यों क्यों बोलते हैं सर, बर्फ भी है या बर्फ ही है, ऐसा बोलो ना, ही और भी में बहुत अंतर है, ही और भी में बहुत अंतर है। जैसे कोई बोले यहाँ पर, यहाँ कुछ ज्ञानी बच्चे भी पढ़ते हैं, और कोई बोले कि नहीं यहाँ केवल ज्ञानी बच्चे ही पढ़ते हैं, तो एक खुश होने के लिए जरूरी है, दूसरा दुखी होने के लिए जरूरी है। तो बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, शीत मरुस्थल भी बोला जाता है। एक हिस्पर करके हमने एक ग्लेशियर पढ़ा था, ये भी लद्दाख और काराकोरम के बीच में, हिस्पर, हिस्पर तीन ग्लेशियर बने हुए हैं, ये इस तरीके से ही बने हैं, ये सबसे ऊपर और ये दूसरा और ये तीसरा, ये सियाचिन और फिर ये हिस्पर, बाल्टोरो और ये बियाफो, इस तरीके से तीन, और तीनों अलग अलग घाटियों में बने हुए हैं। तो ये नुब्रा घाटी में पड़ा है, ये कौन सा नुब्रा घाटी में पड़ा, और हिस्पर जो है वो हुंजा घाटी में, हिस्पर ऊपर वाला, हिस्पर जो है ये हुंजा घाटी में, हुंजा घाटी। और एक है बाल्टोरो और बियाफो,
बाल्टोरो और बियाफो ये दोनों हैं सिंगार घाटी में, बाल्टोरो और बियाफो ये दोनों दोनों कहाँ बने हुए हैं, सिंगार घाटी में। बाल्टोरो और बियाफो दोनों सिंगार घाटी में बने हुए, सिंगार घाटी। क्लियर हो गए चारों ग्लेशियर हमारे। अब भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान वंशिका आप बताओ, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा, आस्था को पता है? जैसलमेर है ना, लेकिन मैंने नहीं बोला है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह, कौन सा है, लेह। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, और ये भी कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। ऐसे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी है जो भारत में नहीं है, गणेश्वरी में, कौन सी श्रेणी है जो भारत में नहीं, कैलाश कौन सी श्रेणी, कैलाश श्रेणी। लद्दाख और काराकोरम के बीच में एक नदी बहती है, एक नदी बहती है, कौन सी नदी है, जो लेह के दाहिने, जिसके मतलब दाहिने तट पर लेह शहर बसा हुआ, कौन सी नदी है, अभी उसको क्लियर कराऊंगा मैं। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ काराकोरम श्रेणी के ऊपर यहाँ पे नुब्रा घाटी और नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी यहाँ से नीचे की ओर बहती है इस तरीके से, नुब्रा नदी ये काराकोरम रेंज है और यहाँ से क्या आ रही है, नुब्रा नदी, और एक नदी यहाँ पर है शोक नदी, और ये इसकी सहायक नदी, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, शोक नदी। और फिर एक दूसरी श्रेणी कौन सी है, लद्दाख, ये काराकोरम और ये लद्दाख, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बड़ी नदी बहती है सिंधु नदी इस तरीके से, है ना। तो ये शोक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी, शोक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी। तो इस क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण नदी अपन ने पढ़ी, एक नुब्रा नदी, शोक नदी और तीसरी सिंधु नदी। सिंधु नदी कैसी नदी है, नदियों का कल बड़ा स्पष्ट बताया था मैंने, नदियां दो प्रकार की बताया, पूर्ववर्ती नदियां और अनुवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां वो हैं जो उस संरचना के पहले से बनी हुई होती है, और वो क्या करती है, अपरदन करती है, वो नीचे की ओर अपरदन अपना रास्ता ढूंढती है और गहरा गार्ज बनाती है। गार्ज बहुत ज्यादा बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैनियन, उसे क्या बोलते हैं, कैनियन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन किस नदी पर है, अमेरिका की कोलोराडो नदी पर, विश्व की बात कर रहे हैं, और भारत का सबसे बड़ा कैनियन ये यहाँ बनाती है, यहाँ सिंधु नदी बनाती है। और कौन सा गार्ज बोलते हैं इसे, बुंजी गार्ज या बुंजी महाखंड या बुंजी कैनियन, बुंजी गार्ज या बुंजी कैनियन 5260 मीटर गहरा। देखो जितनी पहाड़ी ऊंचाई है, मैंने पहले बताया था, पूर्ववर्ती नदी मतलब पुराना रास्ता ढूंढ रही है, नदी ऐसी बह रही थी, क्या बन गई वो, इतनी बड़ी पहाड़ी बन गई, तो नदी यहाँ से कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। उसका काम क्या है, अपने मूल रास्ते को प्राप्त करना। तो जितनी हिमालय की ऊंचाई है उतना गहरा उसने गार्ज बना दिया, उतना गहरा गार्ज उसने बना दिया। तो कितना, 5260 मीटर गहरा गार्ज बनाती है, नाम क्या है, बुंजी गार्ज। ये भारत का सबसे गहरा गार्ज किस नदी पर है, सिंधु नदी पर, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, लद्दाख और काराकोरम के बीच में।
लद्दाख और काराकोरम के बीच में। ये पूरा ट्रांस हिमालय क्षेत्र या लद्दाख क्षेत्र जो है ये वनस्पति विहीन है, वनस्पति विहीन है, वनस्पति विहीन है। अपन ने ये जो लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में एक पर्वत श्रेणी भी पड़ी थी, एक पर्वत पड़ा था, माउंट राकापुशी। माउंट राकापुशी क्या खासियत है इसकी? माउंट राकापुशी गुड 7788 मीटर, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापुशी, माउंट राकापुशी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी। कितना ऊंचाई कितना होता है? 7788 मीटर, 7788 मीटर। अब हमें पढ़ना है हिमालय, और हिमालय को कितने भागों में बांटा है हमने? तीन भागों में। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हिमालय को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। कौन कौन सा? महानिमालय, हाँ, लघु हिमालय और शिवालिक। बताएं जरा बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय या बाह्य हिमालय किसे कहेंगे? शिवालिक को। और अंतः हिमालय, अंतः हिमालय ये किसका नाम? अंतः हिमालय किसका नाम? अंतः हिमालय या इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। तो आप समझ गए किसका नाम है ये? महान हिमालय है। तो महान हिमालय, अंतः हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, ये तीनों एक के नाम लिखने का तो पालन नहीं करता हूँ। चलो हम पहले ऐसे ही चर्चा करते रहे, जितना लिख सकते हैं लिखने की कोशिश करेंगे। महान हिमालय या अंतः हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ये काय से अलग हुआ है? सचर जुग, सचर जुग। इंडो संपो सचर जुग पूरा नाम, इंडो संपो सचर जुग से के माध्यम से ये किससे अलग हुआ है? ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय एग्जाम में दिया ही नहीं रहा हो, वहां पे दिया रहेगा कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, तो फिर क्या लिखेंगे? जास्कर से। ठीक है, क्योंकि कैलाश तो अलग ही है, तो ये जुड़ा हुआ कैसे? जास्कर श्रेणी से। तो जास्कर श्रेणी, ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी से ये काय से अलग हुआ है? इंडो संपो सचर जो, इंडो संपो सचर जो, यह 6000 मीटर से अधिक ऊंची, 6000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वतमालाओं की सुदूर उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो सदैव हिमाच्छादित रहता है, हिमाच्छादित रहता है। विस्तार कहां से कहां तक है इसका? पश्चिम में
नागा पर्वत और पूर्व में नामचा पर्वत। क्लियर है एकदम? पूर्व में नागा पर्वत से पश्चिम में नामचा पर्वत तक पर्वतीय दीवार की तरह है, पर्वतीय दीवार की तरह है। अब इसकी आकृति बता दिया था मैंने, हिमालय की आकृति कैसी है? चाप की तरह, चापाकार। एक तरफ उत्तल है, एक तरफ अवतल है। तो उत्तल किसकी तरफ है और अवतल किसकी तरफ है? उत्तर की ओर अवतल है। उत्तर की ओर अवतल है, दक्षिण की ओर उत्तल है। उत्तर की ओर अवतल। यदि हम देखें तो अनिल इसको करो थोड़ा, हम इसको देखेंगे भारत की ओर उत्तल है और चीन तिब्बत की तरफ कैसा है ये अवतल। ये लंबाई कितनी है जितनी हिमालय की? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। लंबाई कितना बताएं? 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25। चौड़ाई कितनी? 25 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ओ पहली वाली स्लाइड देखो, तो चलो औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी? औसत ऊंचाई कितनी? 6000 मीटर। तीनों चीजें पता चल गई। विस्तार कैसे है इसका? युवने जी आप बताओ विस्तार किस तरफ है इसका? आप क्वेश्चन समझते हो, हिंदी समझ में आ रही है? कल मैंने 2-3 बार बताया था, सरल सा क्वेश्चन बताया था, क्योंकि स्टूडेंट के अनुसार बताना पड़ता है कि कौन कितना समझ सकता है। पश्चिम से पूर्व बताया था ना विस्तार, पश्चिम से पूर्व, और अभी भी बताया पश्चिम में कहाँ तक? पश्चिम में नागा पर्वत और पूर्व में नामचा पर्वत। कितनी लंबाई बताई इसकी? 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी बताया इसकी? 25 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी बताई? हाइट औसत, औसत हाइट कहीं कम भी हो सकती है कहीं ज्यादा भी हो सकती है, औसत हाइट कितनी बताई? 6000 मीटर। दो आंकड़े जो है किलोमीटर में थे और ये तीसरा आंकड़ा कायम में है मीटर में, तीसरा आंकड़ा कायम है मीटर में है। अब निर्माण कैसे हुआ है इनका? निर्माण कैसे हुआ? ग्रेनाइट व नाइस से निर्मित ये चट्टान है, ग्रेनाइट व नाइस से निर्मित। वर्तमान में ये निर्माण अवस्था में है, वर्तमान में ये निर्माण अवस्था में है, वर्तमान में ये निर्माण अवस्था में है। हम ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय ये यहां से ये ऐसा चलेगा, ये भारत से बाहर में निकलेगा ये, ठीक। और इधर चौड़ाई ज्यादा है और इधर चौड़ाई कम है, तो ये भारत से बाहर है तिब्बत क्षेत्र में, फिर ये नेपाल में भूटान और ये यहां तक पहुंच जाएगा, ग्रेटर हिमालय। तो अब इसके विशेष क्या है? यहां पर निर्माण अपन ने पढ़ा, महान
क्लोज। महान हिमालय, निर्माण चट्टानों का नाम बताया मैंने, कौन सी चट्टान? ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ, वर्तमान में निर्माण अवस्था में है और विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटियां अपन ने कल पढ़ा था, लेकिन हिमालय की ऊंचाई पश्चिम में कम है, पूर्व में ज्यादा है, तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां मिलेगी वो इधर इस क्षेत्र में मिलेगी। जैसे ये कंचनजंगा, ये कंचनजंगा यह नेपाल क्षेत्र है, इधर ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सब इधर ही देखने को मिलेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी, तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा सिक्किम में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम के आसपास स्थित है, ऐसा क्वेश्चन बना था, और हम कहाँ पहुंच गए, काराकोरम के ऊपर पहुंच गए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम है, लेकिन हिमालय से संबंधित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, कंचनजंगा। कितनी ऊंचाई है, 8598 भी मिल सकता है कहीं पर, देख लेना इसको, सिक्किम में स्थित है। फिर है मकालू, मकालू कहां पर है, नेपाल में, कितनी ऊंचाई है, 8451 मीटर, यहां पर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। फिर कंचनजंगा, कंचन जंगा ये कहां पर है, सिक्किम। फिर क्या बताया मैंने, मकालू, ये कहां पर है, नेपाल, मकालू कहां पर है, नेपाल में है। इसके नांगा पर्वत, मकालू की ऊंचाई है 8451 मीटर, 8451 मीटर। इसके बाद है नांगा पर्वत 8126 मीटर, 8126 मीटर, ये कहां पर है, नांगा पर्वत भारत में, भारतीय सीमा में, ठीक है, भारत में है। इसके बाद में हम देखेंगे नंदा देवी, नंदा देवी ये भी भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ेगा, 7871 मीटर, 7871 मीटर। इसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी मिलेगा तिब्बत में, क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, चोमोलंगमा, तिब्बत माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तिब्बत में इसका नाम है चोमोलंगमा, चोमोलंगमा। वही नेपाल में कुछ अलग नाम से जानेंगे इसको, सागर में, क्या बोलते हैं नेपाल में इसे बोलेंगे, सागर माथा, नेपाल में क्या बोलेंगे इसे, सागर माथा। भारत में क्या बोलते हैं इसे, पक्का माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू या गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन, कौन थे गाडविन आस्टिन, पर्वतारोही थे जो सबसे पहले उसके ऊपर पहुंचे थे, इसलिए उसे गाडविन आस्टिन के नाम से जाना गया। वैसे उसे मूल नाम क्या है उसका, माउंट केटू, फिर इसे गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की है तो वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तीनों में बराबर अंतर याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है उसी हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। इसमें कुछ दर्रे भी देखने को मिलेंगे, दर्रे
अब दर्रे यदि हम देखते तो अब देखो यहाँ से कौन कौन सा पार्ट जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है इसका, तो सबसे पहले पड़ेगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड, और उसके बाद में इधर सिक्किम, उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो इतने भारत के पार्ट को ये छूता है बृहत हिमालय। तो हर पार्ट में कोई ना कोई दर्रे यहाँ पर बने हुए। दर्रे क्या हो सकते हैं? प्राचीन समय की नदियां हो सकती है जो या तो विलुप्त हो गई है या फिर समाप्त हो गई, क्योंकि परिवर्तन इतना बड़ा हो गया कि वो नदियां बची ही नहीं, या उन्होंने रास्ता बदल दिया हो, या फिर रास्ता बदल दिया हो। तो कौन कौन से दर्रे किस राज्य में पड़ते हैं उसके थोड़ा सा नोट करेंगे। तो सबसे पहला कश्मीर में देखते हैं, कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर क्षेत्र में, तो कश्मीर क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा बुरजिला व जोजिला दर्रा कश्मीर क्षेत्र में। अब देखो राज्य के आधार पर भी हमें याद रखना है और हिमालय की किस श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में? बृहत हिमालय में। कौन सा? कश्मीर में बुरजिला और जोजिला दर्रा, बुरजिला और जोजिला दर्रा। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे हैं, बारालाचा और शिपकिला दर्रा, बारालाचा और शिपकिला दर्रा। ये बारालाचा दर्रा जो है वो उधर जास्कर श्रेणी तरफ जाता है, बारालाचा व शिपकिला दर्रा। फिर उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में बताइए ना कौन कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड में? माना, नीति, लिपुलेख, ठीक। तो यह लिखेंगे थांगला दर्रा, नीति दर्रा, थांगला, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख व माना दर्रा। दर्रे की बात कर रहे हैं बृहत हिमालय पर, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कौन कौन सा होता है? बुरजिला और जोजिला, श्रेणी का याद रखना है। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में बारालाचा शिपकिला, हिमाचल प्रदेश बारालाचा, बारालाचा और एक कौन सा बताया? शिपकिला दर्रा। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में माना, लिपुलेख, ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, माना दर्रा और लिपुलेख, इसके अलावा है थांगला और नीति, थांगला और नीति दर्रा। इसके बाद में कौन सा स्टेट? सिक्किम, सिक्किम। अब ये दूसरे पार्ट में, ये वो पार्ट जहाँ तिब्बत से, तिब्बत के बाद में जो भारत में ये पड़ेगा, तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जेलेपला। नाथुला, नाथुला व जेलेपला दर्रा, नाथुला व जेलेपला दर्रा। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है बुमडिला, बुमला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुमडिला, बुमला, बुमला, टुमला और पुंगा, पुंगा दर्रा। ये दर्रे जो है ये कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसा बनेगा?
एक तो डायरेक्ट बन सकता है, या फिर ये दर्रे दिए रहेंगे, इसको पश्चिम से पूर्व जमाने के लिए बोल सकते हैं, पूर्व से पश्चिम में जमाने के लिए बोल सकते हैं। तो अपन स्टेट के आधार पर याद रखें तो उसके आधार पर देख लेंगे। अब देखो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। अब इसमें जो पर्वत श्रेणियां पढ़ी अपन ने, जैसे अपन ने अलग पढ़ लिया एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नांगा पर्वत, नंदा देवी, ये हमने ऊंचाई के आधार पर लिखा है। ये हमने किस आधार पर लिखा है? ऊंचाई के आधार पर। लेकिन जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन ऐसा ही बने, पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम भी पूछ सकते हैं। तो देखो पूर्व से पश्चिम मैंने एक क्रम लिखा हुआ है, आप उसे लिख सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की वो, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूर्व में नामचा बर्वा, नामचा बर्वा, इसके बाद में कंचनजंगा, नामचा बर्वा, कंचनजंगा, मकालू, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? नांगा पर्वत, नांगा पर्वत, नांगा पर्वत। ठीक है, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश रखना, क्योंकि कल हम जब इसका रिवीजन करेंगे तो और कुछ इसमें बातें जोड़ेंगे। तो ये पढ़ा हमने ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम क्या बताया? हिमाद्री। क्या बताया? हिमाद्री। और इसे क्या बोलते हैं? अंत हिमालय। इसका विस्तार यदि देखें तो दो नदियों के बीच में है, दो नदियों के बीच में, कोटवार भी बताया था कल मैंने इसलिए। तो ये कहां से कहां तक? पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम में सिंधु नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। ग्रेनाइट और सिस्ट, ये दो चट्टानें होता है, ग्रेनाइट और सिस्ट दो प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। ये किस श्रेणी की चट्टानें होती है ग्रेनाइट और सिस्ट? कायंतरी चट्टान। कौन सी चट्टानें हैं ये? कायंतरी चट्टानों से बना हुआ है। सीधी सी बात है, कायंतरी चट्टानों से ही होगा, ताप और दाब से ये चट्टानें, जैसे वो अवसाद उसमें जमा होते गए हैं, जमा होते चले गए, जैसे जैसे दाब बढ़ते गया इनका रूप बदलते गया। तो सिस्ट जैसी ये रविदार चट्टानों से निर्मित है। जो गार्ज बनाती है, क्या नाम है सिंधु नदी एक गार्ज बनाती है, इसके ऊपर में बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज। भारत में इसका विस्तार कहां तक है? बृहत हिमालय का सीमा यदि देखे, अपन ने स्टेट पढ़ा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें। अब हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय दूसरा नाम क्या होगा? लघु हिमालय का क्या? लघु हिमालय का दूसरा नाम हम पढ़ेंगे निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय। ये वृहद हिमालय से कैसे अलग हुआ है? वृहद हिमालय से तो बताया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल
कृष्ण मेन सेंट्रल पृष्ठ से यह वृहद हिमालय, हिमालय से अलग हुआ है। मेन सेंट्रल पृष्ठ से यह वृहद हिमालय से अलग हुआ है। यह है ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के नीचे ये वाला लेसर हिमालय जिसे लिखा हुआ है, ये पीर पंजाब है, धौलाधर, नंदा देवी, ये पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में लघु हिमालय। अब यदि इसकी स्थिति देखा जाए तो वृहद हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक के उत्तर में, शिवालिक के उत्तर में ऊंचाई लिख लेते हैं इसकी 3600 मीटर से 4200 मीटर तक ऊंचाई, 3600 मीटर से 4200 मीटर तक, मतलब उतनी अधिक ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसमें देखने को नहीं मिलेगी, और चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, लंबाई उतनी है जितनी बृहद हिमालय की, उसी के समानांतर ये यहाँ से इस तरीके से ये भी फैला हुआ है। जैसे ये है ग्रेटर हिमालय, वैसे ही लेसर हिमालय भी ये यहीं तक अरुणाचल प्रदेश तक ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये इस तरीके से है, ये ग्रेटर हिमालय, ये बृहद हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, और ये शिवालय। लेकिन ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, एकदम नजदीक आते जाते हैं, तो इनके बीच की दूरी भी कम होगी और चौड़ाई भी कम होगी, जबकि इधर इनकी चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम की ओर इनकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन वो समानांतर है एक दूसरे के, एक दूसरे के समानांतर। और ये अपन ने बता दिया उत्तर की ओर कैसा है अवतल, और नीचे की ओर कैसा है ये भारत की ओर उत्तर में। चौड़ाई कितनी 60 से 80 किलोमीटर। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखें तो पीर पंजाब, पीर पंजाब, पीर पंजाब ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। कौन सा तीर्थ स्थल है यहाँ पर, नहीं अमरनाथ तो और आगे है, वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, वैष्णो देवी पीर पंजाब शहर में। फिर जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हैं अपन तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। इसके बाद में उत्तराखंड, मसूरी, नेपाल में नाकटीबा, महाभारत, ये क्वेश्चन पूछा है महाभारत पर, उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रेणी इसकी मसूरी, और नेपाल में कौन सी नाकटीबा और महाभारत, नाकटीबा और महाभारत, नाकटीबा और महाभारत। इसकी ऊंचाई तो ज्यादा है नहीं, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र यहाँ पर बहुत अधिक है, स्वास्थ्यवर्धक घाटियां बहुत अधिक है यहाँ पर। घाटियां किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं, बहुत दो पर्वत चोटियों के बीच, एक पर्वत चोटी इधर है, एक पर्वत चोटी इधर है, इनके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, हो सकता है उसके बीच में नदी भी हो, और वो नदियां बह रही हो तो अपने साथ में ढेर सारे ऊपर से दाद लगाती है और नीचे छोड़ते चल जाती है, तो एक मैदान सा बन जाता है, जलोढ़ मैदान, तो इसे क्या बोलते हैं घाटिया, इसे क्या बोलते हैं घाटिया। तो ये पर्वतों के बीच में देखो
एक ये जो ऊंचा वाला क्षेत्र है व्रात हिमालय, वहाँ से ढेर सारे पर्वत चोटियाँ हैं और फिर इसकी ऊंचाई एकदम कम हो गई, तो इस कारण यहाँ पर क्या हो गया, ढेर सारी घाटियाँ बनी हुई है, घाटियाँ बनी हुई है और घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ मतलब लोगों के लिए जीवन यापन के साधन है यहाँ पर। अब उधर व्रात हिमालय तरफ तो कोई नहीं जाएगा रहने के लिए, पर यहाँ पर अच्छी अच्छी जगह है, पर यहाँ का मौसम क्या, मौसम विशेष में खुलता है, मौसम विशेष में बंद हो जाता है, क्योंकि इतनी वहाँ पे कभी बर्फ जम रही है, कुछ हो रही है, तो एक मौसम विशेष में ये बड़े स्वस्थ वर्धक स्थान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर शिमला लिखेंगे, शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे पर्यटक स्थल। अगर सीधा सा क्वेश्चन बन जाए कि हिमालय के किस पार्ट में बहुत अधिक पर्यटक स्थल है, तो किस पार्ट में, लघु हिमालय या निम्न हिमालय, लेजर हिमालय के पार्ट में। फिर यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब जैसे, हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थस्थल भी है यहाँ पर। यहाँ एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है इस क्षेत्र में, ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में रहती थी है, पर भोटिया, कौन सी जनजाति, भोटिया, भोटिया नामक खानाबदोश जनजाति भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति क्या चीज है, लाहुल स्पीति, स्पीति घाटियां है, नदी घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, वृहत हिमालय व लघु हिमालय के बीच में स्थित है लाहुल स्पीति व कुल्लू घाटी, वृहत हिमालय वो लघु हिमालय के बीच में स्थित है। और भी घाटियां हैं यहाँ पर, जैसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी यहीं पर है इसी क्षेत्र में, कश्मीर घाटी, जाफरान या केसर की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है वो कश्मीर घाटी यहाँ पर है। नेपाल में काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, सिक्किम में चंबा घाटी, चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यह क्वेश्चन बना हुआ भी, फूलों की घाटी। एक राष्ट्रीय उद्यान भी है इस क्षेत्र में, कौन सा जी, फूलों की घाटी क्या है, कार्बेट, जिम कार्बेट, उस उतना ऊपर नहीं है, उत्तराखंड में है लेकिन इधर नहीं है, यह नंदा देव, नंदा देव, नंदा देवी अभ्यारण्य व नेशनल पार्क, नंदा देवी भी यहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी। गुलमर्ग, सोनमर्ग क्या चीज है, घास के मैदान, घास के मैदान,
तो ये जो लघु हिमालय, रघु हिमालय और उसके नीचे शिवालय, तो लघु हिमालय की जो घाटियां हैं वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर साइड में इसका नाम अलग है और उत्तराखंड साइड में इसका नाम अलग है। तो लिखेंगे इसे लघु हिमालय के ढाल पर, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे 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 शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड में बुग्याल व जम्मू कश्मीर में मर्ग, मर्ग जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग आदि। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है मेंस। कौन से घास के मैदान है ये? शीतोष्ण घास में। शीतोष्ण क्यों है यहाँ पर? शीत कटिबंध क्यों है? ये किस किस कर्करेखा से ऊपर, कर्करेखा से ऊपर है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, हाइट के कारण है ना, हाइट के कारण इसे शीतोष्ण के अंतर्गत रखा गया। जबकि इसका भारत का अक्षांश से विस्तार 37 डिग्री तक है, 37 से ऊपर तो है नहीं, तो 45 डिग्री के आसपास का क्षेत्र या उससे ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण में आएगा और 66 से 1/2 से ऊपर का शीत कटिबंध में आएगा, तो है ना। तो शीतोष्ण के तो नीचे ही है लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण, और इसके ऊपर में क्या, व्रत हिमालय, ऊपर में व्रत हिमालय, तो यहाँ की जो, और वो बर्फीला क्षेत्र है वहां से ठंडी हवा चलती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, एकदम कम रहता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, शीतोष्ण, क्या बोला गया है, शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ कुछ दर्रे भी देखने को मिलते हैं, तो पीर पंजाब दर्रा, पीर पंजाब दर्रा, पीर पंजाब दर्रा, और ये जो पीर पंजाब श्रेणी में एक भुर्जिल दर्रा जो अपन ने ऊपर में पढ़ा वृहत हिमालय, तो ये वही है लघु हिमालय से वृहत हिमालय के बीच में जाता है, इसलिए दोनों श्रेणी में इसको गिन लिया जाता है। और एक है बनिहाल दर्रा, ये महत्वपूर्ण है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, इसमें एक जवाहर सुरंग, इसी में जवाहर सुरंग, और कहां से कहां तक जाता है ये, जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ता है या श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला रास्ता यहां से गुजरा होगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला रास्ता यहां से गुजरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में घाटियां पड़ा अपन ने, कौन कौन सी, लाहौल स्पीति कांगड़ा कुल्लू घाटियां, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा लघु हिमालय क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो अब इसी की बात करते हैं, लघु हिमालय के उत्तर में जो क्षेत्र है वृहत हिमालय, काय से अलग हुआ ये, मेन नहीं, वृहत हिमालय, ये काय से अलग हुआ है, मेन सेंट्रल सृष्टि से। अब इसके नीचे क्या है, शिवालिक, तो शिवालिक से ये काय से अलग हुआ है, मेन बाउंड्री पर, मेन बाउंड्री पर शिवालिक से, ये इसी में लिख लिया, अगले इसमें भी लिख लेंगे। इसके दक्षिण में शिवालिक है, दक्षिण में शिवालिक या बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय है,
जिससे यह मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। हम इसके नीचे वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। क्या बोलेंगे इसे? बाह्य हिमालय या शिवालिक, बाह्य हिमालय या शिवालिक, अध हिमालय, ये भी इसका नाम मिलता है। काय के लिए प्रसिद्ध होगा ये? सबसे ऊपर वाला देखा, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के लिए फेमस था, बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय। दूसरा वाला शीतोष्ण घास के मैदान, घाटियों और पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध था। ये तीसरा वाला काय के लिए? विशाल मैदानों के लिए। काय के लिए प्रसिद्ध है ये? विशाल मैदानों के लिए। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी व निचली श्रृंखला। अब शिवालिक क्या है? तो इतना सा उत्तर भी पर्याप्त है। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी व निचली श्रृंखला, हिमालय का सबसे नवीन भाग, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर, और ऊंचाई 600 से 1500 मीटर, 600 से 1500 मीटर। शिवालिक का निर्माण अब कोई बता सकता है कैसे हुआ है? क्या ये तैथी सागर से हुआ है इसका निर्माण? नहीं, तैथी सागर से तो बृहत हिमालय का हुआ है, उसके बाद में लघु हिमालय का हुआ है, लेकिन इसका निर्माण हुआ है बृहत हिमालय और लघु हिमालय से, जो पहाड़ी नदियों का उद्गम हुआ है और उनके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है उससे इसका निर्माण हुआ है। तो लिखेंगे इसका निर्माण मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है, जिसमें बजरी व जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत है, कहाँ पर होगा इसका विस्तार? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व पंजाब। पंजाब इस क्षेत्र में इसका विस्तार अधिक है। जैसे बृहत मध्य हिमालय, इसके बीच में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने शीतोष्ण घास के मैदान, क्या बोलते हैं इसे? बुग्या। उत्तराखंड तरफ क्या बोलते हैं? बुग्या। और कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो ऐसे यहाँ पर भी घाटियां हैं, घास के मैदान है, जिसे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। लिखेंगे इसे ही
निम्न हिमालय की, निम्न हिमालय की दक्षिण ढाल पर पूर्णधारी वन व छोटे छोटे घास के मैदान, पाए जाते हैं। जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार, कहा जाता है। पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार, ये सब उत्तराखंड क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में ही है, लेकिन उसके पूर्वी वाले भाग के जो है उसे द्वार कहेंगे, जैसे हरिद्वार, और पश्चिम वाले को दून, जैसे देहरादून, पटली दून, इस तरीके से दून के नाम से। तो ये भी क्या है, एक तरीके के घास के मैदान है, या कुल मिला के घाटियाँ हैं, छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ हैं, इसके बीच में घाटियाँ हैं जहाँ पर वन भी पाए जाते हैं, पूर्णधारी वन है, और दूसरा वहाँ घास के मैदान है। तो जिन्हें पूर्व में द्वार कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी मेन्स में पूछा गया है, द्वार हरिद्वार और दून पश्चिम में, एक आध दून का नाम होता देहरादून, पटली दून है ना, और कोपरी दून, यहीं पर हिमालय का कल जो हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना है, कल हम इसका प्रादेशिक विस्तार करेंगे, और पूर्वांचल की पहाड़ी, तीसरा पार्ट है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा पर है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, भारत और म्यांमार, की सीमा रेखा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश में इसे मिश्मी पटकुई, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी, मिश्मी और पटकुई। नागा पहाड़िया, मणिपुर में लेमाडो पहाड़िया, मिजोरम में मिजो पहाड़िया, मेघालय में गारो खासी और जयंती, ये कौन सी पहाड़ी है, पूर्वांचल की पहाड़ी। किन दो देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। फिर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया था, सर सिडनी बुराड, द्वारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। कल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ कल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमें कल क्या पढ़ के आना है, पता है।